विद रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं अपने सेटअप के बारे में। जो आप वीडियोस देखते हैं, जो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की वीडियो हम अपलोड करते हैं, उसके लिए बैकएंड की बात करें, क्योंकि यू नो दैट कि एक वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत पड़ती है, और प्लस हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आपको वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड सेटअप चाहिए, वर्चुअलाइजेशन की वीडियो बनानी है, तो उसका सेटअप अलग जाएगा, बैकअप के लिए सेटअप अलग जाएगा। क्लाउड के केस में अगर आपके पास लो कॉन्फ़िगरेशन की सिस्टम है तब तो काम चल जाएगा, बट अगर आप ऑन प्रमाइसिस की एक्टिविटी या आप फिजिकल इन्वायरमेंट की एक्टिविटी लाइक सर्वर से रिलेटेड या वर्चुअलाइजेशन वीएमवेयर से रिलेटेड अगर आप टास्क परफॉर्म करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास वीडियोस के लिए क्या क्या हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया है। चलो सबसे पहले माय फेवरेट बेस्ट से स्टार्ट करते हैं, अपने मैकबुक प्रो। बेसिकली इसका यूज आप वर्चुअलाइजेशन के लिए या माइग्रेशन के लिए तो नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर आप क्लाउड पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, Amazon, Azure या फिर गूगल क्लाउड, कोई से भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर अगर आप टास्क परफॉर्म करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। मीन्स अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 8GB Core i7 प्रोसेसर और 120GB की SSD इसमें अवेलेबल है, बट ये कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ही बेस्ट है आपके किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे टास्क परफॉर्म करने के लिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट लैपटॉप। ये अनदर है हमारे पास, लाइक लिनोवो का थिन पैड है, जिसके कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 16GB की रैम और कोर i5 प्रोसेसर अवेलेबल है, और इसमें हमने कस्टमाइज करके SSD लगा रखी। मींस जब ये सिस्टम परचेज किया था तो उसमें HDD थी, बट हमने क्या किया, 250GB की एक SSD इसमें लगाई, ताकि परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इनहेंस किया जा सके। एंड देन अभी रिसेंटली हमने परचेज किया है वर्क स्टेशन, काइंड ऑफ वर्क स्टेशन या गेमिंग आप कंप्यूटर बोल सकते हो। और इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है। इसमें हमने 32GB की रैम, 32GB की रैम और कोर i7 प्रोसेसर, प्लस 250GB की SSD और 1TB की हार्ड डिस्क अवेलेबल है। मॉनिटर की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एसर का हमने परचेज किया है 27-inch मॉनिटर, और 4K सपोर्टेड है। मीन्स अगर आप 4K वीडियोस इसमें प्ले करेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। एंड वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, ये कॉम्बो पैक हमने परचेज किया था, आई थिंक 70-1800 का। तो ये पूरा आपके पास सेटअप है। मीन्स एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने में ये सभी, कभी कभी अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करें, जैसे वी सेंटर की बात करें, तो वी सेंटर के केस में ये तीनों लैपटॉप हमारे यूज में आ जाते हैं। मीन्स ये रिकॉर्डिंग के लिए 16GB पे हमने ESXi होस्ट इस्टेब्लिश कर रखा है, 32GB के सिस्टम पे हमने वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट, एंड आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि बिहाइंड द सीन क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, और एक वीडियो बनाने में, मीन्स वीडियो तो हमारी 10 मिनट से 15 मिनट की रहती है, बट उसके बैकएंड के एफर्ट की बात करें तो एटलीस्ट हमें 1 से 1.5 घंटे टाइम देने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए। सो आई होप ये सुनने के बाद आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड करें। तो आई होप कि आप एफर्ट को समझ रहे होंगे, एंड आई होप कि आप सपोर्ट भी करेंगे। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड योर ऑन यूट्यूब चैनल, एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव यू बेस्ट क्वालिटी बेस्ड वीडियो। सो दैट्स इट गाइज, आई होप कि आपको मजा आया होगा सेटअप देख करके बैकएंड का। थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।